अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। अभी हम सायों के घर क्या हुआ था, वहाँ से वापस घर आया हूँ मैं, और मौसम माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त बन चुका है। अच्छा जी, इधर आप ही के घर आया हुआ था। मिस्त्री भाई कह रहे थे कि हम फ्री होके बना के देंगे। मैंने कहा ये काम मुझे आते हैं, मैं कर देता हूँ आपको, ये काम मुश्किल काम है, चलिए हम अच्छे कर लेंगे। अच्छा एक बार पतीला रख के देख लीजिए, मेरा ख्याल है इससे बहुत। अच्छा ये बड़ा है, क्योंकि ये अक्सर लोग फिर ये गलती करते हैं, ऐसे पीछे चूल्हा लगा के ना, ऐसे फिर दीवार के साथ टच होता है, वो ऐसे रहता है पतीला ऊपर, तो ये थोड़ा सा आगे करके लगाना पड़ता है, क्योंकि मैंने अपने घर में जो चूल्हे फिट किए हुए वो मैंने अपने खुद किए थे। समान ओ तो पीता कट के लिया, ओ तेरा समान पिया वा मैं चला दी थी। तो भी मिस्त्री पूरा ही, बस 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 बस, चलो फूर कढ़ाई, बस कर बस कर बस कर, बहुत 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 बहुत, चलो बस कर फूर कढ़ाई, आ कढ़ाई। है सुबह और अभी जो है ना नाश्ता करते हैं, गोभी गोभी वाले परोठे जो है ना वो बना रहे हैं। बाहर मिस्त्री भाई लगे हुए हैं, तो इधर जो है ना मोटर लगी हुई है, उसकी आवाज़ आ रही है। अभी उस्मान ने सादा पराठा खाना था, उसके लिए वो बना लिया है, बाकियों के लिए जो है ना गोभी वाले पराठे। नमी केड़ा यार बाबू केड़ा खाना है, गोभी वाला या दूसरा? गोभी वाला। नमी तो सी वाला। हाँ जी, मैं भी गोभी वाला। अच्छा गोभी वाला खाने जी। सिंपल पराठा और ये गोभी वाला बनाया, ये है जी गोभी वाला पराठा, दो सिंपल बनाए हैं सादा, और ये गोभी वाला शुरू हो गया। अब बाकी जितने भी हैं गोभी वाले बना लेंगे। और गोभी वाला सेवइयां पराठा हमारा तैयार हो गया।
अच्छा जी, रात टाइम जो है ना ये काम शुरू किया था, अभी जो है ना ये सारा फाइनल कर दिया मैंने। ये चूल्हे फिट कर दिया मैंने, रात टाइम कुछ किया था, फिर उसके बाद सीमेंट नहीं था, फिर भाई सीमेंट लेके आए हैं, तो अब जो है ना ये भी सारा फिट कर दिया सारा। इधरों आए मोहित, चाय और पानी दे के आया भाई अब्बास को। इधर छोटी बिटिया जो है ना वो बर्तनों को लगी हुई है धोने के लिए। कहने क्या बेटा भाई, बर्तन तो वो मम्मा जी को काम नहीं करने देती, मैं धोई हूं बर्तन। अच्छा हीरा जी काम नहीं करने देती मम्मा को तो रोती है, तो ये कह रही है कि मैं बर्तन धोने लगी हूँ। पहले मुझे तैयार श्यार करती रही है हिबा, उसके बाद जो है ना अब बर्तन धोने लगी। इधर सारी साफ सफाइयाँ शुरू हैं। इधर गंदम जो है ना ये सुखानी है, ये बीज के लिए रखी हुई है, बीजे के लिए। तो ये अबू जी हुणा दा कह रही मैनू दियो ना, मैं कर रख के दूं। एहराम वो भी बाजी लग गई है, नहीं लगी चलो भी ले आने। मैं जावा ना शहर, मैं चक्कर ला के आना, नहीं तो शहर दाज नाले स्प्रे ले आवा मैं, तो नाले मैं आवा समान ले आवा। है की ख्याल है? हाँ जी चलो सही हो गया। ये गंदम के लिए जो है ना ये बोरियां वगैरह इकट्ठी करके रख लेते हैं हम लोग, आगे जब गंदम की काश्त करेंगे ना उसके बाद जब गंदम की गहाई होती है और फिर उसके लिए ये ना हम लोग संभाल के जो है ना ये बोरियां रख लेते हैं। अभी गंदम हमारे पास तो नहीं है क्योंकि हुकूमत ने रखने नहीं दी, सेल कर दी थी हमने। तो उसके बाद जो है ना अभी ये जो है ना सारी साफ़ सफाइयाँ कर रहे हैं, तो हो सकता है मिलाद वगैरह का भी कोई हम इंतज़ाम कर रहे हैं, तो उससे पहले ये सारी सेटिंग वेटिंग कर रहे हैं। और ये बीज रखा हुआ है ये भी बाहर निकालना है अभी, तो ये सारा सामान जो है ना ये सेट वेट करते हैं अभी। सेटिंग चेंज कर रहे हैं यहाँ से, इस तरह की चारपाइयाँ वगैरह जो है ना उतार रहे हैं, ये वाली चारपाइयाँ जो है ना ये नीचे इधर आ जाएंगी। यहाँ भाई अब्बास लोगों की जो ये चारपाइयाँ ना इधर रखी हुई ये इधर उनकी शिफ्ट करवा देते हैं, ऐसा करेंगे। चारपाइयाँ बाहर रखी हैं, इन्हें साफ़ करते हैं, उसके बाद बरामदे में उस जगह पे लगानी है ये चारपाइयाँ सारी। साफ़ करने के बाद बीज वाली जो गंदम थी वो भी निकाल के बाहर धूप में रखती है ताकि ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। धूप में रखते हैं ना तो फिर ये ख़राब नहीं होती, एक दफ़ा दो तीन मंथ के बाद धूप लगानी पड़ती है वरना बिल्कुल आटा बन जाती है ये गंदम जो होती है। अम्मी जी जो है वो साफ़ कर रही हैं झाड़ू से। चलें जी आज के इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।